अहमद सुखिया सारे आओ। शुरू हुआ लो खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, आओ खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा। सीखेंगे कुछ जानेंगे। शुरू हुआ लो खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, आओ खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल नाटक क्या है? ऐसा नाटक जो कभी भी कहीं भी और किसी वक्त खेला जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती और ना ही कोई बहुत बड़ी जगह की। ये किसी भी मोहल्ले या किसी भी गली में खेला जा सकता है। बस नुक्कड़ नाटक में जरूरत होती है तो एक अच्छी कहानी की और उस कहानी को निभाने वाले अच्छे कलाकारों की, और उसके बाद हम कलाकारों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है और वो है दर्शकगण। जी हाँ, बस ढोल बजते ही दर्शक अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और हमें चारों ओर घेर लेते हैं। उसके बाद हमारा नुक्कड़ नाटक शुरू हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था नुक्कड़ नाटक बात बात में बात की। ये नुक्कड़ नाटक साक्षरता के ऊपर आधारित नुक्कड़ नाटक है जिसे राजस्थान के कई इलाकों में खेला जा चुका है, जिसे वहाँ के लोगों ने काफ़ी सराहा और पसंद भी किया और हमें कई सुझाव भी दिए। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नुक्कड़ नाटक साक्षरता की दिशा में कामयाब कदम है। ये नाटक शुरू होता है छोटे छोटे गीतों के साथ और बीच बीच में हंसी मजाक और गंभीर दृश्यों के साथ दर्शकों को काफ़ी जोड़े रखता है। और इस नाटक की ये खास बात है कि इसके देखने वाले दर्शक इससे ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे कि ये कोई ना कोई इस नाटक के पात्र हो। हम यही कह सकते हैं कि इस नाटक की यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश।
जय गणेश जय गणेश। भूखों को तू रोटी दे दे, नंगों को लंगोटी दे दे, गंजों को तू चोटी दे दे, गंजों को तू चोटी दे दे, जय जय गणेश जय गणेश। मक्कारों का करके कुंडा बचा ले अपना देश, जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश। साफ हवा और पानी दे दे, तंदुरुस्ती है दानी दे दे, मत देना तू हमको चक्कर, चक्कर से आते हैं चक्कर, जय जय गणेश जय जय गणेश। दुख तू सारे हर ही लेगा, नहीं है चिंता ले, जय जय गणेश 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 जय गणेश। क्यों रो रहे हो भाई? कहाँ रो रहा हूँ भाई? नहीं नहीं, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। कहाँ हंस रहा हूँ मैं भाई? नहीं नहीं, कहाँ हंस रहा है भाई? लेकिन बात क्या है? गई। कौन गई? भैंस गई। कहाँ गई? निरक्षरता के कुएं में गई। हैं? ये ऐसा कैसा कुआ है भाई जो दिखाई नहीं देता? ये निरक्षरता का कुआ है। ये अनपढ़ लोगों का कुआ है, बिना पढ़े लिखो का कुआ। अरे भाई तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी भैंस को इस निरक्षरता के कुएं से अभी बाहर निकाल देंगे। भाई जाओ, कोई साक्षरता का रास्ता लेकर आओ। जाओ भाई, लाओ जी लाओ, भाई लाओ जी लाओ, लाओ जी लाओ, लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो। हाँ अब क्या करो? फंदा बनाओ। हाँ बना लिया फंदा, अब गले में डालो। अरे नहीं भाई, कुएं में डालो। आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी।
गीता बोल, रे गीता बोल, हरि ओ गीता बोल। बोल ये सदियां तेरी हैं, बोल ये लम्हे तेरे हैं। बोल ये सदियां तेरी हैं, बोल ये लम्हे तेरे हैं। बोल के बचपन मेरा है, बोल जवानी मेरी है। बोल रे गीता बोल, रे गीता बोल, हरि ओ गीता बोल। बोल की ये हरियाली मेरी, बोल की ये खुशहाली मेरी। बोल की ये हरियाली मेरी, बोल की ये खुशहाली मेरी। बोल के शिक्षा हक है मेरा, बोल के सुतवा जिस्म है तेरा। बोल रे गीता बोल, रे गीता बोल, हरि ओ गीता बोल। बोल तू अपने प्यारे सपने, बोल तेरे ये सारे अपने। बोल तू अपने प्यारे सपने, बोल तेरे ये सारे अपने। बोल अरे ओ गीता बोल, बोल तू अपनी चिंता बोल। बोल रे गीता बोल, रे गीता बोल, अरे ओ गीता बोल। बोल के हम हैं तेरे भाई, बोल के हमने ली अंगड़ाई। बोल के हम हैं तेरे भाई, बोल के हमने ली अंगड़ाई। बोल के अक्षर चांद सितारे, ये है रातों के उजियारे। बोल रे गीता बोल, रे गीता बोल, हरि ओ गीता बोल। बोल रे गीता बोल, रे गीता बोल, अरे ओ गीता बोल। बोल रे गीता बोल, रे गीता बोल, अरे ओ गीता बोल। बस कमला पढ़ने जाती है ना? हाँ जाती तो है। विमला पढ़ने जाती है ना? हाँ जाती तो है। सलमा पढ़ने जाती है ना? हाँ जाती तो है। तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ने जाती? ये बात है। हाँ हाँ यही बात है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा? कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा? आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा? एक बात बताओ। हाँ पूछो। शिक्षा से हम क्या सीख सकते हैं? शिक्षा से हम क्या सीख सकते हैं? शिक्षा से हम क्या सीख सकते हैं भाई? शिक्षा से हम क्या सीख सकते हैं? तो बताएं तुम्हें कि शिक्षा से क्या सीख सकते हैं। हाँ चलो भाई बताते हैं। शिक्षा से हम दुनिया जाने, वाह वाह। शिक्षा से खुद को पहचाने, अल्लाह। आदम शिक्षा से हम दुनिया जाने, शिक्षा से खुद को पहचाने, शिक्षा से हम दुनिया जाने, शिक्षा से खुद को पहचाने, शिक्षा से हम दुनिया जाने, शिक्षा से खुद को पहचाने। शिक्षा तो है मन का दर्पण, शिक्षा तो है मन का दर्पण, शिक्षा ही है ज्ञान को अर्पण, शिक्षा ही है ज्ञान को अर्पण, शिक्षा ज्ञान का उजियारा है, शिक्षा ज्ञान का उजियारा है, शिक्षा मन का एक तारा है, शिक्षा मन का एक तारा है। शिक्षा खुशियों का हर कारा, शिक्षा खुशियों का हर कारा, शिक्षा जीवन का लश्कारा, शिक्षा जीवन का लश्कारा, शिक्षा से है वाराणसी, शिक्षा से है वाराणसी, शिक्षा से है बारह न्यारा, शिक्षा से है बारह न्यारा। शिक्षा है नारी का गहना, शिक्षा है नारी का गहना, शिक्षा से तुम दूर न रहना, शिक्षा से तुम दूर न रहना, शिक्षा है नारी का गहना, शिक्षा से तुम दूर न रहना, शिक्षा है नारी का गहना, शिक्षा से तुम दूर न रहना। देना चे
सके तो चे जमानो आयो चे तनरो बिना चेत सके तो चे जमानो आयो चे तनरो चे तनरो जमानो चे तनरो ओ चे तनरो जमानो चे तनरो बिना चेत सके तो चे जमानो आयो चे तनरो बिना चेत सके तो चे जमानो आयो चे तनरो अनबणनी भरमार वधी कई साक्षर मन का थोड़ा अनबणनी भरमार वधी कई साक्षर मन का थोड़ा खवा पीवाना हांदा सही क्या मन का कारे फांदा बिना चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतनरो बिना चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतनरो अनबन राखी सही क्या हाल बिहाल सुरा सुरी ने अनबन राखी सही क्या हाल बिहाल ठीक हमजनी मानी लो तो थई जा बेड़ा पार बिना चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो बिना चेत सके तो चेत जमानो आयो चेतन रो तो तुम भी पढ़ने जाओगी गीता ज्ञान की गंगा लाओगी गीता। हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ पढ़ लिख कर देश की ताकत बनना चाहती हूँ। तो चलो हम तुम्हें जन चेतना केंद्र लेके चलते हैं लेकिन उसके लिए तो बस में जाना होगा। तो क्या हुआ बस में चलते हैं? चलो नाश्ते गाते चलते हैं। चलो 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 ओला दो ला दो ओला दो ला दो जन जन में भारी चेतना आ रे भारत का वासी हरी बाता साची चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 हॉर्न के अलावा सारी बस बोले हॉर्न के अलावा सारी बस बोले गाड़ी चला रे जल्दी जल्दी गाड़ी चला रे जल्दी जल्दी ड्राइवर मुझा वाला पाँच मिनट का रास्ता में थे तो आज कर दी पाँच मिनट का रास्ता में थे तो आज कर दी जयपुर से चाली या बस जयपुर से चाली या बस हाय बाय हाय बाय करती हाय बाय हाय बाय करती हाय बाय हाय बाय करती हाय बाय हाय बाय करती। भाई बस खराब हो गई है क्या अब आगे नहीं जा सकती? तुम क्या हुआ भाई देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है लगता है सब मेरी बस में आ रहे हैं। तो आप क्या करें नाव में जाओ और उसे डुबो। नाव में जाए चलो भाई नाव में चलो नाव में चलते हैं। हैया रे हैया हैया रे हैया हैया रे हैया हैया रे हैया भूखा है बाबा हैया रे हैया हैया रे हैया हैया रे हैया नाव में बैठे लोग लुगैया नाव में बैठे लोग लुगैया नाव डूबी सब डूबेंगे भैया नाव डूबी सब डूबेंगे भैया ना कोई तरैया ना कोई बचैया 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 आबादी के पीछे हमर में फंस गई देश नैया नैया तैयार
हमारा ये जीवन भी तो एक नदिया के समान है और साक्षरता इस जीवन की नाव है। अगर जीवन को सुख से जीना है तो साक्षरता की इस नाव के चप्पू हमें संभालने ही होंगे। जीवन के महासमुंद्र में इस नाव को हम सबको मिलकर खेना होगा। बनले गणले संपी सोरी तो सक्षर होले सक्षर होले सक्षर तानी रे लिया भी जोरे जोरे सक्षर तानो हलमो करो होरे होरे। हम सबको मिलकर साक्षरता की अलग को जगाना होगा। फिर क्या सीता, क्या रामू श्यामू, मीरा अहमद, कमला या राधा, साक्षरता के सुर के साथ सुर तो सभी को मिलाना होगा। कदम के साथ कदम मिलाकर तो सभी को साथ चलना होगा। माता माते टीकी ओजे टट्टा टीटी ही ओट माते लाली ओजे लल्ला लीली ही माता माते टीकी ओजे टट्टा टीटी ही ओट माते लाली ओजे लल्ला लीली ही मारा मम्मा मिमी मारा मम्मा मिमी मांडले मोती कोले सक्षर तानी रे लिया भी जोरे जोरे सक्षर तानो हलमो करो होरे होरे। साक्षरता की इस मुहिम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक बराबर है। तभी तो निरक्षरता के अंधकार को चीर साक्षरता का सूर्य अपनी पूरी तेजी से चमक सकेगा। संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य तभी तो हासिल होगा। काजर काले आंख में तू कका की घोट बाली तेरे कान में तू बब्बा बीबी घोट काजर काले आंख में तू कका की घोट बाली तेरे कान में तू बब्बा बीबी घोट बणवा वारी सोरी देखेगा पिक्चर शोले पिक्चर शोले सक्षर तानी रे लिया भी जोरे जोरे सक्षर तानो हलमो करो होरे होरे। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं देखो लोगो देखो बहने आती हैं देखो लोगो देखो बहने आती हैं आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएंगी वो तो नया जमाना लाएंगी मिलके लड़ती जाएंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी मिलके लड़ती जाएंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी हाँ मेरी बहने अब आगे बढ़ती जाएंगी हाँ मेरी बहने अब आगे बढ़ती जाएंगी गया जमाना पिटने का जी अब गया जमाना पिटने का जी अब गया जमाना पिटने का। इस तरह का जो गीत है महिलाओं ने काफी झूम के कि किस तरह से जो बंधन है उनके उनको तोड़ के किस तरह से वो आती है और अपने साक्षरता की क्लास शुरू करने से पहले वो जरूर इस गीत को गाया करती थी। इस नाटक ने जो कामयाबी राजस्थान में हासिल करी वो काबिले तारीफ है। हमारे कलाकारों ने दिन में 3 और 4 शो तक किए और वो भी कड़ी धूप में, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के दर्शकों ने इस नाटक को पूरे का पूरा देखा और हमें काफी पसंद भी किया। और उसके बाद वहाँ के दर्शकों ने हमसे कई बातें भी पूछी और हमने उनको कई सलाह भी दी और उनमें से जो कुछ लोग अनपढ़ थे वो हमारे पास आए और उन्होंने हमसे वादा किया कि वो पढ़ेंगे और लिखेंगे। और जो लोग पढ़े और लिखे थे उन्होंने हमसे ये वादा किया कि वो दूसरों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। राजस्थान में तो ये नाटक होता ही है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के और भी कई राज्यों में खेला जाए, क्योंकि इस नाटक का एक ही मकसद है और वो है दूसरों को साक्षर करना, यानी कि दूसरों को पढ़ाना लिखाना। और हमारा भी यही मकसद है कि हम दूसरों को पढ़ाएं लिखाएं। एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल की है तो वो अपने समधी के घर गई हुई थी तो वहाँ पे साक्षरता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक जो है चल रहा था, तो उस नाटक से प्रभावित होके वो इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी पढ़ाई लिखाई का शुरू करने का जो है वो एक मुद्दा बनाया कि मैं जरूर पढ़ूंगी। फिर उसने जो किताबें वगैरह उसको दी गई पढ़ने के लिए तो आज भी उस महिला ने वो किताबें संजो के रखी हुई हैं। अगर पूछा जाए तो क्यों रखी हैं तो उसका मानना यह है कि इन किताबों से मुझे वो ज्ञान मिला है जो आज तक किसी ने नहीं दिया।
जबकि वो मतलब जो राधा स्वामी सत्संग वगैरह है वहाँ पे मतलब ज्वाइन की है उसने। फिर मैंने उसको पूछा कि आजकल आप किताब पढ़ ग्रंथ पढ़ते हो कुछ करते हो तो ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो फिर मैंने बोला कि आपको वहाँ पे आपके गुरुजी ने दिया? तो बोलती नहीं नहीं मेरे तो पहले जो गुरु हैं वो तो साक्षात अभियान चलाने वाले मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे इस तरह का ज्ञान दिया और आज मैं पढ़ सकती हूँ। और वो आज अपने बेटों को चिट्ठी लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, अभी भी उसने लिख के बताया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इस अभियान के चलने से जो बेचारे लोग वंचित थे किसी कारणवश उन्हें भी मौका इस अभियान के चलते मिला है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से लड़ने वालों, घ ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, क ख ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बना के लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से लड़ने।